इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम टारगा सीक्वेंस या फिर इमेज सीक्वेंस को किस तरीके से एज अ वीडियो फाइल इंपोर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर में। शायद आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आए कि ऐसा हम करते क्यों हैं, क्योंकि इमेज सीक्वेंस की हमें क्या ज़रूरत पेश आती है एज अ वीडियोज़ को बनाने की। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, बेशक वो फोटोशॉप है जहाँ से आपने किसी चीज़ को डिज़ाइन किया है और उसके बाद फिर आप उसको मे बी आफ्टर इफेक्ट में लेके गए हैं और आपने एक प्रॉपर एनिमेशन दी है, उस एनिमेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको अल्फ़ा लेयर चाहिए जिसको हम टेक्निकली अल्फ़ा बोलते हैं, कि आपके पास सिर्फ वो एलिमेंट, वो एनिमेशन, वो जो पार्ट था वो आपके पास वीडियो में वैसे ही आए और उसके बाद पीछे आपके पास बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट ही लेयर हो और नीचे जो भी आप रखना चाहें उसको फिर रख लें। ये नॉर्मली यूज़ होता है नेम बैंड्स में, नेम सुपर्स में, जिसको हम एस्टन भी कहते हैं, या फिर आप इसको आम जबान में लोअर थर्ड भी कहते हैं, नीचे नाम लिखने के लिए। और इसमें प्रॉपर आपके पास एक एनिमेशन होती है और उस एनिमेशन के ऊपर फर्दर आप मज़ीद अपने प्रीमियर के अंदर काम कर सकते हैं। देखने में आपके पास ये इमेजेस का बहुत बड़ा एक सीक्वेंस होगा जो कि जिसकी प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग चल रही होगी। अगर बीच में से कोई भी नंबर, कोई फाइल गलती से स्किप होती है, फिर आप उस सीक्वेंस को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसको इम्पोर्ट करने के लिए हमें उस सीक्वेंस का उसका ऑर्डर पूरा चाहिए और जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो तब भी आपको उसी ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इस वक्त जो हम इंपोर्ट करेंगे वो बेसिकली PNG सीक्वेंस है जो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। PNG इमेजेस का ये पूरा एक सीक्वेंस है और उसको एज अ वीडियो फाइल हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। PNG के अलावा आप टारगा भी यूज़ कर सकते थे, बहुत सारे शायद और भी ऐसे फॉर्मेट हो जिनको आप लेकर आ सकते हैं इसमें एज अ सीक्वेंस इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट या फिर अल्फा की ऑप्शन मौजूद होती है। तो इसमें होता क्या है कि जितनी एनिमेशन, जितना एलिमेंट, जितना आपने काम किया हुआ है वो इमेज वैसे ही है और उसके जो पीछे चीज़ है वो आपके पास अल्फा या फिर ट्रांसपेरेंट तरीके से आती है। और यहाँ पर आपको टाइमलाइन पे जब आप उसको रखेंगे तो जो चीज़ें उसमें ब्लैंक थी आपके पास क्रिएट करते वक्त, यहाँ पर भी आपके पास ट्रांसपेरेंट या ब्लैंक आएंगी, आपको कुछ इसमें उसको की करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर अपने सिस्टम में मेरे पास PNG सीक्वेंस मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फाइल हैं और ये सारी एक ही ऑर्डर में चल रही हैं, जिस तरह के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनका जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये ऑर्डर खुद ही डिसाइड करता है, जो फाइल नेम आप देंगे आगे से फिर उसकी नंबरिंग वो खुद ही ऑर्डर डिसाइड करेगा। आपको अगर इसमें गलती से कोई फाइल रीनेम, कोई मूव हो जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, फिर वो इस इमेज सीक्वेंस को एज अ वीडियो इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो अभी आप देखें आपके पास यहाँ पर राइट पे प्रीव्यू भी आ रहा है। इस वक्त ये प्रॉपर एक एनिमेशन है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये इमेजेस मैं चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लोअर थर्ड है ये बेसिकली डिज़ाइन हुआ हुआ और ये इस तरह से एनिमेशन है, फ्रेम बाय फ्रेम, इमेज बाय इमेज ये इस तरह से मूव अराउंड कर रही है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम अपने प्रीमियर में जाते हैं, डबल क्लिक करूंगा मैं ब्लैंक स्पेस पे या मेरे पास जो और ऑप्शंस मौजूद हैं कंट्रोल आई से या फाइल मेन्यू में इंपोर्ट से जाके। तो जहां पर PNG सीक्वेंस में मैं गया तो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे पहले इमेज को सिलेक्ट करना है और नीचे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है इमेज सीक्वेंस, क्योंकि देखें ये इस ऑर्डर में थी फाइल्स तो उसने खुद ही ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दी। आप इसको नॉर्मली अनचेक होती है, आप इसको यहाँ से चेक करेंगे और आपको जस्ट एक पहली फाइल को ही सिलेक्ट करना है और जब आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपका जो आइकन भी बना हुआ आया है वो एज अ वीडियो आया है, इसने एक इमेज को इम्पोर्ट नहीं किया। इसको मैं यहाँ पर टाइमलाइन पर रखूँगा तो आपके पास इसको हम पहले ब्लैंक एरिया में रखते हैं ताकि आपको अल्फा ट्रांसपेरेंट का भी मैं फ़र्क बता सकूं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब ये डिज़ाइन हुआ था तो बिल्कुल आपके पास इसी तरह डिज़ाइन हुआ था और पीछे जो ट्रांसपेरेंट लेयर थी एक्सपोर्ट करते वक्त आपने उसको ट्रांसपेरेंट ही रखा और अल्फा की मदद से आपके पास ये इस फॉर्म में आया है कि इस वक्त किसी क्लिप के ऊपर जब मैं इसको रखूँगा तो पीछे वाला सब कुछ जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट ही आएगा। मैं इसमें अगर उसको चेक ना करता इमेज सीक्वेंस को, यहाँ से मैं एक सिलेक्ट करता और इसको अनचेक रहने देता, या मे बी यहाँ से कोई रैंडमली मैं यहाँ से क्लिप उठाता और इसको मैं यहाँ से इमेज सीक्वेंस के बगैर ओपन करता, तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास जस्ट एक फाइल, एक इमेज इंपोर्ट हुआ है जो कि इस तरह से है, उसमें कोई एनिमेशन, कोई वीडियो, कोई मूवमेंट मौजूद नहीं है।
इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और इस वक्त मेरे पास ये इस फॉर्म में आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन हैं कि लाइक आप इसको एक प्रॉपर लोअर थर्ड बनाना चाहते हैं। इस वक्त मेरे पास इसमें मार्जिन है कि मैं इसको इसके ऊपर मज़ीद कोई टेक्स्ट लिख दूँ और इसकी प्रॉपर एक एनिमेशन है जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से। इसको इतना लाने के बाद मैं चाहूँ तो अब मेरे पास एज अ वीडियो क्लिप की फॉर्म में और आप देखें ये बहुत क्विकली आउट हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ये कर सकता हूँ कि जहाँ पर ये पूरा एनिमेशन पूरी हुई इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसको मैं फ्रेम होल्ड कर सकता हूँ यहाँ से इसका। इसको यहाँ से मैं इन पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। अगर मेरे पास क्लिप की ओर मार्जिन नहीं है तो मैं रेट स्ट्रेच टूल से इसको जो कि इसकी स्पीड पर काम करता है इसको आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर स्टिल कर दिया, होल्ड कर दिया फ्रेम होल्ड की ऑप्शन से। तो इसको यहाँ पे मैंने होल्ड किया और मैं इसकी जो एनिमेशन इन हो रही थी उसी को मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी ये फ्रेम होल्ड था और ये फिर से एनिमेशन चल पड़ी। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं इसकी स्पीड को रिवर्स कर दूँ और वो मैंने इसलिए किया कि जो मेरे पास एनिमेशन इन हो रही थी अब वो एनिमेशन मेरे पास आउट की शक्ल में यूज़ हो जाएगी। अब मेरे पास जो बीच में ये फ्रेम होल्ड करके जो मैंने किया था मेरे पास अभी भी चॉइस है कि अगर इसको मैंने ड्यूरेशन बढ़ानी है। आपने इसको एनिमेट इन किया था जो कि पीएनजी सीक्वेंस था और उसके बाद मैंने उसको कट किया फ्रेम होल्ड करके। यहाँ पर मैंने उसको फिर इसकी स्पीड स्लो की और यहाँ से मैंने इसी एनिमेशन ये जो इन हो रही थी कॉपी पेस्ट करके इसको रिवर्स कर दिया। तो आपके पास प्रॉपर एक इन और आउट पॉइंट बन गया। अब आप चाहें तो अपने टेक्स्ट के थ्रू जो कि आपके पास टूल की ऑप्शन में है या फिर आपके पास लेगेसी टाइटल की ऑप्शन में है तो आप चाहें तो इसके ऊपर अपने लेगेसी टाइटल के थ्रू या फिर आप अपने टेक्स्ट का जो टूल है इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये टेक्स्ट टूल है मेरे पास। आप यहाँ पर चाहें तो मे बी टू लाइनर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आपने इनका नाम जो भी इनका नाम है मे बी इनका नाम है जॉन और इसको हम सेट कर दें टेक्स्ट के हिसाब से फॉन्ट वगैरह जो भी आपने रखना है जिस तरह से भी आपने वो टेक्स्ट में चीज़ें देखी हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ वगैरह आप इसको अलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन कर लें और उसके हिसाब से फिर आप इसको इसमें सेट कर दें और नीचे आप इसकी डेजिग्नेशन ऐड करके भी काम कर सकते हैं। मे बी मैं इसी लेयर को कॉपी करता हूँ ऊपर ऑल्ट के साथ और इसमें मैंने डबल क्लिक किया था यहाँ पर और यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया। मैं यहाँ से इस पर फुल स्क्रीन जाऊँगा और यहाँ से इस लेयर को नीचे रख के और मे बी ये हैं ग्राफिक डिज़ाइनर इसका साइज़ हम छोटा करेंगे थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करेंगे हम टिल्डा की दोबारा प्रेस की तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और अगर मैं चाहूँ तो इसको इसका फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ और फर्दर इसको यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ऑब्वियसली ये मैंने बड़ा क्विकली किया है कोई जस्ट इसको वाइट में ही रखे कोई शेडो कोई स्ट्रोक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। आप एस्थेटिकली इसको अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं और इस तरह से मेरे पास ये जो टारगा सीक्वेंस था ये इन हुआ और यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को इन कर सकता हूँ। एज अ क्लिप लेयर मेरे पास है मैं इसमें चाहूँ तो जस्ट इसको फेड इन कर लूँ या मैं कोई और भी वाइप ट्रांजिशन पुश स्लाइड कुछ भी इसमें लगा सकता हूँ और जहाँ तक मुझे चाहिए उसको मैं रखूँगा। ट्रांजिशन मैंने इस पर कंट्रोल डी से डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन लगाई और यहाँ से ये एनिमेशन आउट होनी शुरू हो रही है तो इसको मैं यहाँ तक फेड आउट कर लूँगा। तो इस पीएनजी सीक्वेंस का मेरे पास ये फ़ायदा हुआ कि मेरे पास ये जो एनिमेशन थी जो कि मैंने अपने किसी और सॉफ्टवेयर में भी आफ्टर इफेक्ट पे क्रिएट की थी और वहाँ से इसको मैंने एज अ सीक्वेंस एक्सपोर्ट किया था और फर्दर मैंने यहाँ पर इस पर मज़ीद भी काम कर लिया। इस तरह से ये इन हुई आपके पास जो आपने प्रीमियर में एलिमेंट ऐड किए टेक्स्ट के वो ऐड किया और बाद में ये इसी तरह से एनिमेट आउट हो गई। तो आपने देखा कि हमने इसको जो हमारे पास पीएनजी सीक्वेंस था उसको हमने इसमें इंपोर्ट किया एज अ वीडियो फाइल आया एज अ ट्रांसपेरेंट फाइल आया एज अ अल्फा आप इसको कह सकते हैं उस तरह से आया
और उसके बाद फर्दर हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा। आप इसको सिर्फ टेक्स्ट के लिए या फिर लोअर थर्ड्स के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपने ओवरलैप करने हो वीडियो के ऊपर और आपने किसी और सॉफ्टवेयर में उसको क्रिएट किया हो, तो आप उसको भी इसमें लेकर आ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको फोटोशॉप आता है आप उसमें भी उस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट में प्रॉपर आप इसको डिज़ाइन करके एक्सपोर्ट करके प्रीमियर के अंदर लेकर आ सकते हैं, जो कि आगे जाके हमारा मॉड्यूल है आफ्टर इफेक्ट के भी, उसके अंदर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट में जाके अल्फा ऑप्शंस को ऑन करके फर्दर इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहे अपनी चीज़ों की, आगे मजीद लेक्चर्स में और नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों पर बात करेंगे।